उदयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन कई तरह के नवाचार कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहा है और इसी से प्रेरित होकर एक कलाकार ने फतेह सागर पाल की 130 फीट लंबी वॉल पर मतदान की जागरूकता को लेकर पेंटिंग बनाना शुरू किया है, जहां चार दिन से एम ए हुसैन मतदान जागरूकता को लेकर पेंटिंग बना रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारत निर्वाचन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, तो वहीं जिला स्तर पर कई तरह के ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिससे लोगों के अंदर मतदान के प्रति जागरूकता पैदा हो। और इस जागरूकता को लेकर उदयपुर के एक कलाकार ने अपनी स्वप्रेरणा से उदयपुर की फतेह सागर पाल पर जो 130 फीट की वॉल है वहां पर एक पेंटिंग बनाना शुरू किया है। पिछले चार दिन से वो यहां पर इस पेंटिंग को बना रहे हैं और खास बात यह है कि इसके अंदर वो लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मतदान के प्रति जागरूक हो, क्योंकि मत उनका अधिकार है जो सरकार को चुनेगा और उसके बाद जो है वो अपने विकास के कार्यों को किस तरह से चाहते हैं ये उनके मन में होना चाहिए। इन चीजों को लेकर वो अपना मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जरूर जो है मतदान करें, तभी जाकर वो है अपने एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। यहाँ पर जो कलाकार है एम ए हुसैन उदयपुर के कलाकार है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की पेंटिंग वो यहाँ पर बना रहे हैं, क्या वो जागरूकता देना चाहते हैं इस मतदान को लेकर। बताएं सर, कब से आप बना रहे हैं और क्या कुछ बना पाए हैं अभी तक आप? मैं पिछले चार दिन से बना रहा हूँ उस पेंटिंग को और यही एक एक देश का महापर्व है जिसे महात्यौहार जैसे कह सकते हैं डेमोक्रेसी का, जिसमें सबका अधिकार है, सबकी भागीदारी चाहिए, जिसके अंदर मैं अपना जिस तरह का मुझ में अपना एक कुदरती टैलेंट है, मैं चाहता हूं कि इस तरह मैं इंस्पायर करूं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करूं कि भाई मतदान अपना हक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें आप लोग। इसमें क्या क्या अभी तक आप बना चुके हैं, कितनी बड़ी वॉल है और क्या लगता है कब तक इसको आप तैयार कर देंगे पूरा, और किस तरह से आपको मतलब परमिशन आपने ली होगी यहाँ पर, यह अपनी प्रेरणा से किया? जी, मुझे अपने आप प्रेरणा मिली है कि मेरा अपना टैलेंट तो मैं दिखाना चाहूँ, तो मैं डीएम साहब से मुलाकात की, उनके बाद संबंधित अधिकारियों से उन्होंने मुझे संपर्क करने के लिए कहा, उनका सहयोग है पूरा मेरे साथ में। और रहा सवाल मुझे जैसा कि जो पैम्पलेट्स वगैरह उन्होंने दिए थे कि कुछ सब्जेक्ट उनको चूज़ कर दो, जैसे कि हेल्पलाइन है, वोटर हेल्पलाइन 1950, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन वोटिंग की और दिगर जितने भी आप चाहें अपडेट करना कराना सब इसके अंदर में। इसके अलावा जो मैंने एक पहले पेंटिंग बनाई थी 130 फुट लंबी, उसी को मैं मोटिवेट करके और जो जो अपने सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक हैं, देश के, वो सब मैंने इसमें उठा रखे थे, उसी को मैंने इसमें ही प्लस कर दिया इसको। यानी कि निर्वाचन विभाग द्वारा जिस तरह से मतदान के लिए जागरूकता पैदा की जा रही है वो सब संदेश भी इसके अंदर में, इसके साथ में भी ये भी बताया गया है कि किस तरह से विकास होना चाहिए, कुछ वो पेंटिंग में यहाँ पर बनाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि मतदान जो है सभी का अधिकार है और सबको मतदान करना चाहिए, इसके लिए उदयपुर के आर्टिस्ट ने उदयपुर की फतेह सागर पाल पर ये पहल की है और ये कोशिश की है कि लोग अपने मतदान का जो है प्रयोग जरूर करें और इस सरकार को अपने देश के लिए कुछ अच्छा चुने। कैमरामैन अभिषेक के साथ रवि मल्होत्रा, A1 टीवी उदयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।